कैंट पुलिस ने फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सिंघड़िया चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पवन सिंह पुत्र कौशल किशोर सिंह निवासी नंदानगर गोकुलपुरम टीवी अस्पताल के आसपास थाना कैंट जनपद गोरखपुर स्थायी पता करहनु जीरादेई सिवान बिहार के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है। वहीं के चार लोगों को जिनको यह जानता था उन्होंने यह प्रलोभन दिया कि मैं विदेश भेजने और नौकरी लगवाने का कार्य करता हूं। उनके द्वारा अभियुक्त पवन सिंह को कुल 2,48,000 रुपए चार लोगों द्वारा खाते में पैसा भेजा गया। अभियुक्त द्वारा चार लोगों का मेडिकल कराया गया एवं फर्जी दुबई का वीजा व फर्जी दुबई टिकट देकर लखनऊ एयरपोर्ट पर भेजा गया, जहाँ पर एयरपोर्ट पर इन लोगों को जानकारी हुई कि यह वीजा व टिकट फर्जी है, तब इन लोगों द्वारा थाना कैंट पर आकर मुकदमा दर्ज कराया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इससे पूर्व पवन सिंह द्वारा सिंघड़िया में 2020 में 22 लाख रुपए की लूट की गई थी, जिसमें अभियुक्त गैंगस्टर व लूट के मुकदमे में जमानत पर बाहर था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार अरुण, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल राकेश सिंह रामाराम शामिल रहे।